So, but everyone is welcome, right? Because this is some people from Andhra Pradesh who didn't get the cards yesterday thought they should meet us. So we are actually agreed to their request. But you know, we are available from 6:30 in the lounge. Anybody who could ask their questions, want to interact with us, are most welcome. Now we would in the next session, the last session, and Venkat, one more change, because we see you can't budget for time here, right? Rajunisa actually was to speak only for 10 minutes. I don't know how much time elapsed. There are some more, you know, our heroes who need to speak. So what we'll do is we'll take this till 2, because lunch is sacred. So post-lunch, maybe from 3 to 3:30, those who could not speak. So we have, because of some very interesting experiences which are different. And then at 3:30 we split into groups, and I would be happy if that can be, that half an hour can be accommodated after 4:30, if we close at 5. Okay. But if that's the group's choice, the group's is nine, saade char baje nikalna, I'm fine. Yeah. Now I would like to invite Balanti Mato from Jharkhand. Jharkhand, kaun ja rahe hain? बड़ा जो जा रहा है. अच्छा, झारखंड से कौन है? एक, दो, तीन. अच्छा, ये पश्चिमी सिंहभूम से आए हैं, मनोहरपुर ब्लॉक से. वो आपको समझाएंगे अपने बारे में. मेरा नाम है हलोती मांतो, गांव है पचपैया, प्रखंड है मनहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम झारखंड. मेरा समूह का नाम है उजाला स्वयं सहायता समूह. अभी मेरा जो समूह में पहले समूह नहीं जुड़ा था, उसका पहले का स्थिति, जो कि हम समूह में नहीं जुड़े थे. समूह में तो जुड़ने का बहुत इच्छा था, लेकिन किससे जुड़े, किसको हेल्प मांगे, और कैसे जुड़े, करके मेरा बहुत मैंने ये था कि हमको अच्छा लगता है समूह में, और समूह से हमको हेल्प मिलेगा कभी ना कभी. आज नहीं तो आज हमको मायके में भी कभी बाहर नहीं निकले थे, और ससुराल में भी जैसे शादी होके आए वैसे ही मेरा परिवार से अलग कर दिए 3 महीने के बाद. तो मेरा पति अब काम तो सीखे थे सिर्फ सिलाई, तो सिलाई सीखने का उसका पैसा नहीं करने के लिए कि दूसरा का दुकान में काम कर सकते. काम करने के समय फिर उन लोग का रोजगार एक दिन में कितना मैंने 90 रुपया 80 रुपया ऐसे दिन भर. तो दो ही है, लेकिन तभी हम लोग का परिवार चलाने बहुत दिक्कत. तो आप सोचे कीजिए कैसे करेंगे. फिर उससे चलने चलने फिर हम लोग का सरंडा एरिया है ना, सरंडा एरिया में बहुत सारे मलेरिया पकड़ता है. मलेरिया से ना हम लोग बार बार मलेरिया बुखार पकड़ता है. तो हम लोग कुछ काम करने नहीं सकते थे. वैसे होने होने फिर मेरे पति को इतना बीमार हो गया जो कि पूरा पूरा सीरियस. तो काम कौन करे, अब खाना कौन लाए. तो वैसे होने से तो मेरे को बहुत दिक्कत. फिर मैं पकड़ लिए, फिर 6 महीना हम लोग को दवा खाने के लिए डॉक्टर बोल दिए. तो हम बोले कि कहाँ काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं. तो फिर ऐसे मुसीबत आया जो हम कैसे खिलाए उसको दवा. फिर हम इधर ढूंढने जाते थे, इधर ढूंढने जाते थे. फिर हमको कभी नहीं करते थे. तो हम सोचे कि कैसे. फिर मेरा पति बोले कि मत जाओ, तुम तो ऐसे कभी नहीं किए हो. फिर अभी जाने से फिर नहीं हम ही काम करेंगे. तो 3 महीना हो गया ऐसे हम इधर ढूंढ के. फिर साल पत्ता हम लोग सरंडा से साल पत्ता तुलते हैं
आप बिक्री करते थे, तो अच्छा तो पहाड़ एरिया हम कभी भी नहीं देखे थे। अब मेरा मायके है ओडिशा, ओडिशा से हम ओडिया पढ़े हैं, फिर हिंदी से ये भी नहीं। तो जिस समय सामू उसी समय ही मैंने आंध्रा से सीआरपी टीम सीआरपी से हम लोग चल गए। अब बोला कि हम लोग समूह बनाने के लिए आए हैं आपका झारखंड। तो उसके बाद हम लोग बोला कि ठीक है सर, तो कब बनाओगे? तो हम लोग वहाँ से एक सीसी कोऑर्डिनेटिव कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, तो उन लोग का ये हुआ, तो उन्हीं लोग के घर चल गए सीआरपी पीआरपी और बोले कि हम लोग समूह बनाने के लिए आए हैं। तो हम लोग बोले आम सभा के लिए बुलाए गाँव आप बैठे। तो उसी दिन बोले कि आम सभा है और यहाँ हम लोग समूह बनाने के लिए आए हैं दीदी लोग, तुम लोग समूह बनाओगे कि? तो हम लोग हाँ बोले कि हाँ सर जरूर बनाएंगे। तो हम बनाएंगे तो भगवती तुम सबका नाम लिखने सकोगे? तो हम बोले कि नहीं सर, हम हिंदी नहीं पढ़े हैं, उड़िया पढ़े हैं, तो हम हिंदी लिखने मेरे को नहीं आता है। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, हिंदी वाला कोई दीदी है तो निकालिए लिखिए सबका नाम। तो हम लोग ऐसे निकाला तो मैंने बहुत सारा दीदी हो गया, मैंने आठ टू ग्रुप बन गया वो है सब के साथ। तो लिखे आप बोले कि यहाँ से अभी हर समूह को सीआरपी टीम आके तीन दिन करके प्रशिक्षण दिए तो वहीं से तीन दिन करके दिए। आप पंद्रह दिन ही रुके उन लोग पाँच समूह इनाम में बनाए पंद्रह दिन में अब चल गए दूसरा गाँव। तो उस समय पाँच समूह बना के वहाँ से बोले कि पाँच समूह का पाँच बुक बुक लिखने के लिए दीदी को हर एक ग्रुप से चुनाव किए और वहीं से बोले कीजिए तो लोग कोई एक्टिव उम्र जैसे हम लोग वो भी सिखाएंगे। तो वैसे बोले तो हम वो एक्टिव उम्र में भी हम लोग शामिल हुए। तो लिखेंगे बुक कीपर में पहले दीदी लोग बोले कि दीदी आप बुक लिखिए। तो हम बोले कि हम नहीं पढ़े दीदी। तो हम लोग बोले कि ये दीदी तो ओड़िया पढ़ी है, थोड़ा ना सके कि लिखने के लिए, ऐसे बोले। तो हम क्या बोले बोले कि हम तो नहीं सकेंगे ऐसे बोले। फिर ऐसे सक्रिय महिला के रूप से चुना के तो वहाँ भी बोले कि ये तो ओड़िया पढ़ी है, ये थोड़ा ना सकेगी बोलने के लिए, ऐसे बोले। तो हम पीछे पीछे रहते हैं। फिर जिस समय गांव में से कुछ कुछ इस मीटिंग होता है तो हम आगे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हम हाँ दीदी मेरे को तो मालूम नहीं, हम तो ओड़िया पढ़े हैं जरूर लेकिन हिंदी तो बोलने तो सकते हैं। फिर किसी कुछ कुछ मिस्टेक होता है लेकिन बाकी सब तो सकते हैं ऐसे बोले। तो अच्छा ठीक है, वैसे मिस्टेक तो हम ये करेंगे तो आपको रांची जाना है ऐसे बोले। तो ठीक है, मेरे पति को हम पूछे कि हम रांची जाएंगे और ऐसे ऐसे मीटिंग है, तो बोले बोलने को सकोगे तुम जो रांची जाओगे? तो हम बोले जैसे ही आएगा मन में उसे बोल देंगे वैसे बोले। तो ठीक है, रात भर नहीं सोते कि हम जाएंगे क्या करोगे वहाँ और कितना सारे आदमी के हमने कैसे परिचय दिए। तो जैसे परिचय दिए ना पूरा इतना तो सारे पूरा ऐसे ऐसे पूरा करते थे। तो ऐसे तो पूरा वैसे परिचय दिए और वहाँ से आए अपना प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया अपना परिचय का। ना उसके बाद पूरा खुश लगा कि जहाँ हम हैं ठीक है। तो वहाँ से आए फिर गाँव वालों को लगे ये तो कहाँ चलो रांची चल गए थे या पढ़े या फिर रांची चल गए तो क्या बोले ऐसे बोले। तो हम किसी के बात नहीं सुने वहाँ से आए। आज सामो एक महीना हो गया, दो महीना ऐसे सामो अपना मैंने सामो जैसे दीदी लोग ट्रेनिंग दिए वैसे ही हम लोग चला रहे हैं सामो, जैसे कि बचत कर रहे हैं दस रुपया करके और तो एक दीदी को ऋण दे रहे हैं। हर एक समय से हम लोग का जो समूह बैठते हैं दीदी लोग बोले की गोला का बैठो जिसकी जिसका जो जो आज खाना खाइए नहीं खाइए। हम लोग का सरहद एरिया में सर थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत है, तो उसमें सर जो कौन खाया खाना खाइए है कौन नहीं खाया आज उदास कौन है, तो गोलाकार बैठने से आपको सबको मालूम पड़ेगा ये वैसे बोले थे। तो वैसे ही हम लोग मालूम पड़ने के लिए सबको तो जिस दीदी का जरूरत पड़ा तो मेरे को ऋण चाहिए तो सौ रुपया देते हैं जो चावल के लिए जो कि तबीयत के लिए सब्जी के लिए हम लोग सिर्फ सब्जी भी हम लोग नहीं खरीद के खाते थे। सरंदा का सब सरंदा में हम लोग का साग है फिर जो जैसा है वही सबको खा के गुजार रहे थे। तो वैसे समूह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लगे कि नहीं यहाँ से साग से रोटी नहीं मिलता है लोग को दाल पीना चाहिए ऐसे सब सार लोग फिर हम लोग पचपैया
गांव में बार बार सर लोग हम लोग का गांव चले आए और बोले कि सर कि दीदी लोग आप लोग का समाधान है से तुम लोग थोड़ा समोसे अच्छा से कीजिए रिवर्निंग पे नहीं मिला है नहीं सर नहीं मिला अभी छह महीना तक हो गया नहीं तुम लोग जरूर मिलना है तो तुरंत ही हम लोग का एक सप्ताह का था रिवर्निंग पे 15,000 मिले समोसे जो दीदी जो करना है इच्छा अपना इच्छा से कीजिए जो भी इच्छा जो कि आप लोग कृपा करिए कि कुछ सामान खरीद के बिक्री कीजिए कि कोई भी अपना ये सोच जो है उसको पूरा कीजिए वैसे बोले तो हम लोग चलिए सब सदस्य मिल के फिर हर समूह का सब समूह को आए तो उसके बाद ले लिए तो हाँ भी ले वहाँ छोटा रे चावल के लिए लिए हैं दो बार फिर तबियत के लिए लिए हैं और जो मेरा पति सिलाई करते हैं तो उसका कोटिंग के लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है जो सिलाई इसे ही करते थे तो वहाँ 1,000 लिए कि एक दो महीना सीख बोल के तो सीखे वहाँ से हम लोग मैंने सोचे कि हम अभी आ जाएगा CIS तो वहाँ से पैसा ले लेंगे 10,000 वैसे सोचे तो मेरे पति को पूछा हाँ लेंगे तो पहले ले लिए 10,000 और वहाँ से बड़ा ने बोल के 10,000 लिए और वहाँ से एक मिशन खरीदे तो मिशन खरीद के घर पर आदमी सुपर नहीं होगा फिर कैसे सिले करे कौन देगा कपड़ा पहले तो उसका पैसा चाहिए ना यहाँ बैठे हैं तो कैसे कौन आएगा कपड़ा देने के लिए तो नहीं पहले पेटीकोट के लिए वो कपड़ा खरीदे और खरीद के सिले करे सिले करके छोटा सा मेरा घर बड़ा घर नहीं है छोटा सा झोपड़ी जैसा है कपड़ा का घर है तो वहीं पर घूरना था उसको खोल दिए आप दुकान मैंने दुकान नहीं दिए है ऐसे ही आप वहाँ कपड़ा सबको ऐसे एक टोरा टांग दिए और कपड़ा पेटीकोट सबको झुला दिए तो सब रास्ता में लोग कह रहे हैं आप लोग तो सिलाई करते हैं घर में दुकान देती है ऐसे बोले तो हाँ दे दिए ऐसे छोटा मोटा ऐसे बोले तो शर्ट पैंट सिलाई क्या करें शर्ट पैंट हाँ तो सकते हैं लेकिन इंटरलॉक मशीन नहीं है और मशीन नहीं होने तो शर्ट पैंट नहीं ऐसे बोले तो हम बोले कि सर साहब मेरे को पैसा चाहिए सर आप 10,000 ऐसे बोले हम लोग आपके आते सर तो वो बोले कि आप पैसा चाहिए अच्छा ठीक है तो हम लोग का जो सर अपना मन को ये में प्रखंड में जो DPM सर है तो वो लोग से बात किए कि सर मेरे को आप चाहिए पैसा मेरा पति बोल रहा है कि इंटरलॉक में से खरीदेंगे तो ठीक है आपका दुकान करने के लिए ले रहे हैं ठीक सर ले तो फिर 10,000 ले 15,000 ले लिए 10,000 ले लिए फिर 3 दिन का बाद ₹70 से ₹80 ठीक है काम ना एक साथ सिलाई करने से ₹35 मिलता था अब एक मैट सिलाई करने से ₹45 मिलता था तो दिन भर बैठ बैठ के 5,000 तो फिर got streamlined. So with experience we are able to compress this transformation cycle. And you saw in Jammu and Kashmir it's not even 1 year.
So we, through collective learning, this process becoming more efficient. I would like Savita Didi from... कौन सा गाना गाएंगे? नहीं नहीं वो दीदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से आए हैं. पीपल फ्रॉम एमपी वन टू एंड गोइंग टू एमपी शुड बी बिगर नंबर. ओके सो मध्य प्रदेश हैज सेवन रिसोर्स ब्लॉक्स. दे आर ऑल इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स. I think 2 or 3 months ago, I went to Alirajpur and went to a village which was on the border of Gujarat and where this CRPs had gone. Excellent work is happening there. Didi, batai. मेरे मायके में मेरे माँ बाप बहुत गरीब. तो मेरे माँ बाप क्या करते थे? कुछ नहीं. उनके पास ना कुछ जमीन नहीं था, ना रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था. लेकिन क्या करें, हम लोग तीन एक भाई और दो हम बहन हो गए उनके पास. तो वो रोज क्या
जंगल जाते थे और जंगल से लकड़ियां ला करके और 20-40 किलोमीटर पैदल लकड़ी बेचने के लिए जाते थे और वहां से लकड़ियां बेच कर लाते, चावल खरीद के लाते, फिर खाना बनाकर हमको खिला देते। उनका यही धंधा रोज करना, यही करते करते हम जब चार पाँच साल का हो गए। मेरा एक बड़े भाई है और मैं छोटी बहन, मेरे छोटू और छोटी, तो हमको दोनों को हमारे गांव में कम से कम 1 किलोमीटर दूर में वहाँ प्राइमरी स्कूल, तो सब लोग कह रहे थे कि आपके लड़के बच्चे खेल रहे हैं तो आप क्यों स्कूल नहीं भेजते हो करके वो बोले, तो वो कहा कि मेरा व्यवस्था नहीं है पर कोशिश तो करूँगा। जैसे करके सोचे फिर वो कहीं से नहीं, ऐसे मेरे को गांव वाले बोल रहे हैं तो चलो तुमको मैं स्कूल में नामकरण करा के आता हूँ करके वो बोले। मेरे पिताजी ये करा तो दिया वहाँ नामकरण, फिर हमको जाने आने में दूर पड़ रहा था तो हम लोग जाते जाते कहीं रास्ते में खेल के आ जाते थे, फिर कोई भी दिन जाते थे स्कूल, कोई दिन नहीं जाते थे, इतना दिमाग भी उस समय नहीं था हम लोग। फिर वहाँ स्कूल में नए आने का हमको दंड मिल रहा मिले रोज, यानी कोई दिन जाते थे कोई दिन न जाते थे तो हमको दंड मिलने लगा। तो फिर हमको डर हुआ कि हम अब रोज जाएं स्कूल तब हमको नहीं मिलेगा ये दंड करके। फिर ऐसे करते करते लकड़ी बेच बेच करके हमारे लिए कपड़ा खरीदे मेरे बाबा, कि खाना खरीदे, कि पुस्तक कापी, उस समय अभी तो पुस्तक दे रहे हैं, ड्रेस भी दे रहे हैं, उस समय हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो ऐसे करते करते हम 5 साल तक वहाँ पढ़े, फिर अगल बगल स्कूल में, फिर वहाँ हम लोगों के पास में मिडिल स्कूल भी नहीं था तो हम लोगों को 8 किलोमीटर दूर स्कूल में मेरे पिताजी वहाँ एडमिशन। फिर हम वहाँ रोज पैदल जाते थे और वहाँ 8 बजे स्कूल अटेंड करना था, लेकिन जाते जाते थक जाते थे, बहुत जैसी यहाँ ठंड लग रही है वैसे ठंड में जाते जाते पैदल, और हमारे पास चप्पल भी नहीं था। अभी तो रोड जहाँ भी देखो तहाँ अच्छा से रोड बन गया है एकदम चिकना सा, उस समय तो रोड भी नहीं था। तो हम चलते चलते बरसात हो या ठंडा हो पैदल चलते थे बिना चप्पल का, और जाते जाते मेरे को लेट हो गई तो वहाँ मेरे को सर बोल रहे कि तुम रोज लेट भी आ रही हो करके डंड मारी, दोनों हाथ में एक एक छड़ी मारी, मेरे को रोना पड़ गया वहाँ। तो दूसरे बगल वाले सर पूछ रहे हैं कि काहे के लिए रुला दी हूँ लड़की की, तुम इतना दूर से आ रही हो, जो मेरे गांव के बगल से सर हाई स्कूल में जा रही है। तो वो देख कर बताए कि नहीं ये लड़की बहुत दूर से आ रही है, 8 किलोमीटर से पैदल आ रही है और जा भी रही है इस करके। तो उस दिन से मेरे को नहीं मार रही लेकिन मेरा पढ़ने का इरादा तो और 8 साल तक मैं पढ़ी लेकिन 1 साल भी फैल नहीं हुआ। लेकिन मेरे माँ बाप की कमी से, गरीबी की कमी से मेरे माँ बाप छोटी उम्र में शादी करने के बाद फिर मेरा पति का पिताजी नहीं था, पहले से उसका देहांत हो गया। मेरे सास माँ शादी करी और 3-4 माँ फिर हमको साथ में नहीं रखी, हमको अलग कर दी। इसके बाद हम मेरा एक छोटा सा लड़का हो गया तो मैं कहीं बाहर काम करने भी नहीं जाती थी, मेरे को खाना बनाने भी नहीं आती थी, कुछ भी काम नहीं आ रही। और मेरे पति वही दारू पीना शुरू कर दिया था, दारू भी पीता था, अलग तो हो गए हम लोग लेकिन क्या करें, किस कैसे खर्च चलाएं, इस करके हमको बहुत परेशान। लेकिन मैं अकेली जब थी तब तो मैं खाई हूँ तो खाई हूँ, भूखी हूँ तो भूखी हूँ, तब मेरे को बराबर रहती, लेकिन मेरे बच्चे हो गए तब मेरे को और ज़्यादा परेशान होना पड़ा कि मेरा बच्चे को तो मैं तो कर सकती हूँ लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन मेरे को तो कहीं से हो चाहिए खाना चाहिए। जो भी उसके मुँह से देख रहा था कि अगल बगल में कोई बिस्किट खा रहे थे, कोई डाकू खा रहे थे, वो भी बोल रहा था कि मम्मी मेरे को भी चाहिए। अब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, वो काम मजदूरी करने के लिए जा रहा था, 80 रुपये का काम करता था, लाके तो मेरे को देता था पैसा लेकिन तुरंत ले लेता था कि नहीं मैं पीऊंगा मेरे को पीना है करके, वो झगड़ा कर कर मार मार पीट पीट कर ले लेता। इसके बाद फिर आजीविका मिशन थे और मैं बाहर से भी कर्जे लाके लाती थी, थोड़ा मायके से गहने वहने मिल रही थी। तो मेरा बड़े वाला बच्चा को बहुत ज़्यादा सीरियस निमोनिया हो गया, उसमें मेरे को अगल बगल की दीदियों के पास में गई लेकिन मेरे को कोई पैसा न मिलने के कारण फिर मैं एक साहूकार के पास गई, 5 किलोमीटर दूर है राजेंद्र ग्राम, वहाँ जाकर फिर मैं उसको गिरवी की तरह
₹500 में रख के लाई 500 और उसका इलाज करी, फिर जो कुछ घर में दाल चावल सब्जी नहीं था उसका पूरा कर दिया। फिर वो कहने को मैं दोबारा मेरा व्यवस्था न बनने के कारण फिर ऐसे फिर हमारे गाँव में अजीब हुआ वाले तब बोल रही थी कि तुम्हारे तुम्हें बहुत बताई कि आपको कितना तकलीफ हो रही है, आपको देख कर हम परेशान करके वो पूछ रहे थे अपने आप को। तो फिर मैं बताई कि सर मेरे को बहुत परेशानी है, यदि कोई भी अगर अच्छा सलिया हो तो मेरे को बताइए मैं करूँगी। तो मेरे अगल बगल वाले बोल रहे थे कि हम तो ना जुड़ेंगे, हमारे पैसा कई लोग ले गए हैं पैसा ले जाएंगे ऐसे करके। तो मैं दीदियों को मैं सलाह दी कि दीदी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन आपका रिस्क मैं ले रही हूँ, ये जो बचत करेंगे अगर वो पैसा को ले जाएंगे तो मैं अपने से कहीं से निकाल कर आपको मैं दे दूंगी ऐसे करके। तो मैं समूह में जुड़ी, अभी मेरा समूह का संगठन 20 फरवरी 2013 को हुआ था। तो उसमें फिर मैं 9 बार कर्ज ले चुकी, तो उसने कुल 32,700 का सब्जी खरीदी, फिर 200 रुपये का चावल खरीदी, फिर 500 रुपये की कर्ज दी उसको, बगल में कहीं रिश्तेदार में शादी में जाना था तो कुछ बर्तन खरीद के रखी गई। फिर पति का मेरा बीमार हो गया तो उसके लिए 1,500 फिर 1,500 लेकर उसके 1,500। फिर मेरे बच्चे बड़े बड़े 2 बच्चे हैं, वो 9वीं पढ़ रहा है, 8वीं पढ़ रहा है, तो ड्रेस का पैसा तो दे रहे हैं लेकिन लेट से दे रहे हैं। तो दोनों के लिए मैं फिर वहीं से समूह से उधार लेकर ड्रेस बनवाई, फिर उनके पेन कापी के लिए समूह से लेकर फिर वहाँ पेन कापी खरीदी, फिर उसके बाद फिर 6,000 लेकर फिर टमाटर और खाद के लिए बीज और खाद के लिए, फिर 6,000 वापस करने के बाद अभी बड़े कर्ज 1,20,000 तक ली। तो उसमें बकरी का पालन करना था, तो मैं बकरी खरीद चुकी हूँ लेकिन अभी बकरी का बीमा नहीं करा है। और मेरा लड़का पढ़ रहा है सर, तो मेरा ख्वाहिश है कि मैं लड़कों को अच्छे से पढ़ा लूँ और उनके लिए अच्छा से घर बनवाऊँगा। मेरे पास कोई जगह जमीन नहीं है, मैं दूसरे को जमीन में अभी घर बना कर रह रही, अच्छे से मेरा घर भी नहीं है, झोपड़ी है, उसी में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। I think one of you are asking what do people do with the loan. So you see, they have their own ideas and they know what are their priorities and what should be taken, how much, when can it be repaid. So that should be left to them. We should not trust our ideas. We have a case where this is a coastal fisher community village. Dhanlakshmi comes from there. I'll just tell you one story. In that East Godavari district of Andhra Pradesh, we also started an education fund for higher education where women contribute their thrift amount, and in turn, through this fund, their children's higher education can be supported. And I went there last April and I met a mother whose son has completed his engineering from IIT, and she was telling me very proudly that he has got admission in IIM Calcutta. Now supposing, you know, typical, if I were in my younger days, I had to go to a fisherman village, I would say, okay, why don't you take boats? Or why can't you put a motor there? These are my ideas, but she had other dreams. So this process enables them to figure out what is important, and some of them can fail. In fact, there's a failure story also. There was one very strong collector, one of the districts. So he insisted that they should buy cows. And he took a lot of precautions. He put the joint director's animal husbandry, sent him to Karnataka to buy good cows. So I went to this village in Anantapur, and then that lady was complaining, look, we have this cow, it's not yielding any milk. Then I said, why do you keep it, why don't you sell it? She says, no, I want to show it to people like you, who, you know, tell us what to do.
So there are people are enterprising, they're also cautious. So it depends as their courage multiplies. You saw in the space of 1 year, from that 100 rupees for travel, now she's graduated up to 6,000. It's her own decision. So as in through this interaction, as in when their confidence increases, courage increases, they take bigger decisions. So it doesn't happen overnight. I mentioned in my presentation that one of the success stories that we have had is on agriculture interventions. How this similar model is used for promoting agriculture interventions. I would now like to invite Shobha Deviji from Bihar on the revolution that they are bringing about in community managed agriculture in Bihar. दीदी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शोभा देवी है। मेरा समूह का नाम सीता जी का स्वयं सहायता समूह का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैं नारी शक्ति जीविका ग्राम संगठन का सदस्य हूँ। मैं खगड़िया जिला और खगड़िया ब्लॉक से आई हूँ। मैं समूह से जुड़ने से पहले कुछ अपना बीती हुई कहानी सुनाएंगे सर, उसके बाद जो है समूह में जुड़ी तो फिर हम बताएंगे। के बारे में सीधा नहीं बताएंगे? नहीं सर, वो बता रहे हैं सर। पहले हम समूह में नहीं जुड़ी थी, तो हम जब बड़ा हो गए थे तो मेरा माँ बाप भी गरीब था। उसके बाद छोटा सा हम पांच भाई बहन थे, छोटा छोटा भाई बहन था, हम सबसे बड़ी थे। तो मेरी माँ गुजर गई, माँ जब गुजर गई तो मेरे पापा बचा। तो छोटा छोटा भाई बहन को देखने वाला तो कोई था नहीं, तो हमको पापा ने कोई गरीब है घर में शादी कर दिया। जब शादी कर दिया तो वहाँ मेरा पति अनपढ़ था, तो क्या करते, वहाँ भी कोई जमीन जाल था नहीं। तो फिर हम वहाँ कुछ दिन रहे, किसी तरह व्यतीत किए वहाँ। फिर सोचे कि छोटा छोटा भाई बहन है, उसको कौन देखने वाला है। फिर अपना पति को समझा बुझा कर अपने मायके चल आए। जब मायके चल आए तो मेरा पापा और मेरा हस्बैंड दोनों मिल करके दिल्ली आ गए। यहाँ कुछ तरह अपना मजदूरी करते थे और पैसा कुछ कुछ भेज देते थे। फिर हमने सोचा कि जी यहाँ भी हम कैसे कैसे भाई बहन को पालेंगे। उसके बाद हमें भी छोटा छोटा बच्चा था तो उसको भी देखना था ना हमें। तो किसी खेत में मजदूरी करते थे, ऐसे कर करके अपना समय व्यतीत करते थे। उसके बाद सर जो जीविका आया था, जब जीविका आया तो जीविका के साथ साथ आशा संस्था आया, तो उसमें बताया रहा था कि खेती बाड़ी के बारे में। तो हम सोचे कि जब खेती तो कर ही रहे हैं लेकिन इसमें जानकारी हो रहा है तो हम यही करके देखते हैं। तो जो पहले हम खेती कर रहे थे सर, तो उसमें हमको ज्यादा नहीं उपज होता था, चार से पांच क्विंटल यानी 10 कट्ठा खेत बटैया लेकर कर रहे थे, तो उतना उपज होता था। जब ये आशा आया था तो आशा में हमने SRI के बारे बताया था। हम सोचे कि आशा इज एन NGO व्हिच पार्टनर्ड विद द बिहार मिशन इन प्रमोटिंग दिस SRI कल्टीवेशन। तो हम सोचे कि इसमें हम जुड़ करके और किसान के साथ काम करेंगे। तो सब लोग हंसने लगा, मतलब गांव के लोग हंसने लगा कि लड़की होकर क्या करेगी, इसको कौन बात मानेगा। मैं सोच रहा था कि गरीब का बच्चा है, इसको कौन वैल्यू देगा, ऐसे सोच रहा था। जब हम SHG में जुड़ने के बाद जुड़ गए तो हम लोग का हौसला बढ़ गया, सब दीदी से सपोर्ट मिलने लगा और सब लोग ने हमें सपोर्ट करने लगा, तो हौसला धीरे धीरे बढ़ते गया। तब उसके बाद हम जब आशा संस्था में जुड़ गए खेती बाड़ी के बारे में, तो हम 150 किसान के साथ खेती करवाए थे। जब खेती करवाए तो उन लोगों को अनुभव हो गया कि ये कुछ जरूर गरीब बाप का बच्चा है लेकिन कुछ करेगी, ऐसा सोच लिया। तो हम ऐसा करके ही दिखाए सर। उसके बाद हम फिर SHG से लोन लिए, छोटा छोटा लोन लिए तो पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ये करके पांच बार जो मोटा मोटी लोन लिए थे 40,000। जब लोन लिए तो हम अपना लीज पर खेत लिए, खेत लिए तो उसमें हमेशा आई के तरह जैसे श्री दीश बताएगा वैसे खेती की है। खेती किए तो पहले तो हमको 4 से 5 क्विंटल उपज होता था, अब उसमें पहला बार SRI किए और साथ साथ सब्जी भी खेती किए, वही क्या क्या गुणा जो रहता था उस पर। तो खेती किए तो हमको 15 क्विंटल धान हुआ, उससे समझ जाइए कि 3 गुना बढ़ गया। और उसके बाद जब जून जुलाई में SRI किए, अक्टूबर में खत्म हो गया, फिर लेके हम गेहूं लगाए। जब गेहूं लगाए, गेहूं के साथ साथ सब्जी भी लगाए
और रैचा लगाए थे तेल खाने के लिए, रैचा लगाए थे वो भी गेहूँ हमको 16 क्विंटल हुआ। हम तो आश्चर्य में हुए कि बाप रे इतना उपज हुआ, हम कभी सोचते नहीं थे सर। लेकिन ये हुआ कि साल भर के खाने के लिए धान का मतलब चावल हो गया और गेहूँ बच गया, वो रख रख करके हम बेच लेते थे, बेच करके घर में कुछ पैसा तो उससे भी निकल गया हमें। उसके बाद फिर दलहन में आ गया, मूंग लगाते थे, फिर सब्जी आ गया, ये सब करते करते हम लोग ये सराई बारे में मतलब कर रहे थे। उसके बाद सर हम लोग को सर लोग ने बोला कि जाओ तुम इतना टेंडर हो ही गए हो तो दूसरे राज्य में जाकर बताओ अपने ब्लॉग में करते करते। तो हम लोग को दूसरे राज्य भेज दिया, जैसे हो गया पहले बार हैदराबाद आए थे यहाँ, फिर सर लोग बहुत जगह का सर लोग आया था तो वहाँ उन लोगों के साथ जैसे जैसे हमको बिता था सर बताए, तो सर ने बोला कि जो बहुत अच्छा हम लोग के इधर तुम लोग आकर बताना श्री विधि के बारे में। बोले जी सर आएंगे। तो फिर हमको भेजा राजस्थान, पश्चिम बंगाल और शिलांग, मेघालय, इस सब जगह जाकर हम लोग श्री विधि के बारे में बताए। सर हैदराबाद जो पहली बार है तो हम कभी जहाज को तो आंख देखे ही नहीं थे। कहाँ देखते, माँ बाप गरीब थी, ससुराल भी गरीब थी, जहाज पर कैसे चढ़ते, जब जहाज पर चढ़े तो धड़कन बढ़ रहा था, जब नीचे उतर रहा था बड़ी डर लग रहा था। लेकिन फिर भी सर था ना, आस्कर सर था मेरा साथ में, बोला की डरना नहीं है हम लोग साथ में। फिर किसी तरह वहाँ पहुंचे। उसके बाद ये सब जगह जाकर के हम जब बता का है, फिर अभी सर फिलहाल में 60 किसान के साथ अपने गांव में अपने बीओ में मतलब यही एसआरआई वाला विधि से कर रहे हैं। तो वो बाहर का जब पैसा होता था सर, और जो कि अपना अनाज बेचते थे वो भी पैसा, और ये भ्याती जो काम कर रहे थे ये भी पैसा, तो ये सब मिला करके हमें अकेला में 70-75 हज़ार कमा लेते थे। आपके पति दिल्ली से आ गए या नहीं, वहीं पर दिल्ली में ही है? हाँ, वो तो ठीक से काम नहीं करता था, मजदूरी करता था, क्या करता था, आता है तो गांव अगर आएगा तो साल भर गांव में ही रह जाता, लेकिन उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको तो हाथ पकड़ के सिग्नेचर सिखाने सिखाया, हम अपना दस्तखत नहीं करता था। थैंक यू। सी व्हाट This is a parallel agriculture revolution. Those who are interested in the about agriculture, the United Nations has a group called the Right to Food Committee, and they were asked to look at what is the status of global food security for the next 50 years, and they studied various models. And their recommendations have come about 3 or 4 years ago, and where they have said that what they term as agroecology, that means ecologically sustainable agriculture, is the best method for global food security. So therefore, the work that we are doing in NRLM on agriculture is something which those of you are interested, I would really encourage you to get involved in this. In fact, the scale at which we are doing and the manner in which we are doing. Now, she's equivalent to any PhD from IRI because she has actually cultivated the crops. And so, she's our extension agent. Anybody done his PhD from IRI here? Oh, okay. So, should I take my words back? Then definitely you people should look at this. This is the, in fact, as I told you, I got into agriculture because those women scolded me in 2003. I was gloating. I thought I had, you know, done something great for them. I got better price for their red gram. They start scolding me. Yes, pesticide ka daam badh gaya hai, ye badh gaya hai, wo badh gaya hai. So that's how I was determined to go into a way in which we don't use chemical pesticides, use chemical fertilizers. So there's a lot of work happening on natural farming, as I said, agroecology, growing multiple crops. In fact, post-lunch, we have another 1 minute. So post-lunch, I would like Vijayamma to talk to you about her experience in what is called as a polycropping model.
Our idea is with just half acre of agriculture, half acre of land, irrigated land, year-long cultivation, generating at least 50,000 rupees net income per family. And we have cases where it's ranging between 40,000 to 1 lakh. And it's happening on a fairly large scale. So these are, the SRI, Professor Norman Appel, he is known as the father of this SRI method. He started in Madagascar, which is a farmer-to-farmer system of rice, system of root intensification. So the innovation in Bihar has been using the SRI methodology for wheat, for pulse crop, for oil seeds, and for vegetables. So they changed the word SRI, now it's called system of crop intensification. So it's a different word now, SCI. So food security and at the same time making agriculture a viable livelihood is of top importance in NRLM, and because 80-85% of the rural households, particularly our target group, their main source of income is agriculture. So without, if agriculture doesn't become profitable, we cannot come out of poverty. So I just thought we should get a sense of that from our hero from Bihar. So we'll break for lunch. I see Venkat signaling to me. So no, lunch is very, what shall we say, sacrosanct. So, no, we used to hate people used to come and talk and go beyond lunch time. So I don't want to do that. So we break for lunch, we resume at 3. We come here for half an hour because I wanted a health intervention, a gender intervention, that to, we present in the plenary, and then we break. Okay, thank you.